लोग अच्छी चीजों को देखने में असफल होते हैं, अच्छी चीजों को नहीं देख पाते। दे हैव टू मच टू टेक एंड आई सपोज देयर इज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल हाउ टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स व्हाट एवर रजिस्टर्स टेलिंग मी ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस। मेरा सोचना है उनके पास बहुत कुछ होता है लेने को जबकि लोग देख नहीं सकते, मतलब अच्छी चीजों को बहुत कम लोग देखते हैं, अपने में केवल आवश्यक ही लेते हैं, मतलब जो जो जरूरी चीजें होती हैं वो सिर्फ उसको ही देखते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, जो भी उसकी बाकी जो संवेदनाएं होती हैं उसे वो प्रभावी ढंग से बताते हैं। आई डिडंट सी यू आइदर आई सेड बट आई हर्ड यू कमिंग। मैंने भी आपको नहीं देखा, मैंने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते सुना। मतलब उस राइटर ने क्या कहा कि मैंने भी आपको नहीं देखा लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते हुए सुना। अंदर आते हुए सुना मतलब कि उसने उसके पैरों की आवाज सुनी, ठीक है, उसके चप्पल की आवाज सुनी। आई वंडर इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्टर्बिंग दैट आई वाज ब्लाइंड प्रोवाइडेड आई कीप टू माय सीट। आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर। मैं सरप्राइज था कि क्या मैं उसे यह जानने से रोकने में समर्थ था कि मैं अंधा था। मतलब देखिए राइटर जो था वो ब्लाइंड था, अंधा था, ठीक है, लेकिन लड़की को थोड़ी पता है कि वो ब्लाइंड था, ठीक। तो राइटर ने जब उसको पूछा कि मतलब जब राइटर ने उसे पूछा था ना कि आप तेरा जा रही हो तो लड़की चौक देख रही, उसने कहा था कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे और भी बैठा हुआ था। तो इस पर जो राइटर था वो भी सरप्राइज हो गया कि ये लड़की इस लड़की के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और उसने मुझे देखा कैसे नहीं। तो वो सरप्राइज से था कि क्या मैं उसे यह जानने से रोकने में समर्थ था कि मैं अंधा हूँ। मतलब उसको ये लग रहा था कि राइटर जो अंधा है क्या उस लड़की को पता है या नहीं, ठीक है। मैंने उसे अपनी सीट उपलब्ध कराई, मैं सोचा यह ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लड़की ने कहा मैं सहारनपुर में उतर रही हूँ, मेरी चाची मुझसे वहां मिल गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं। Then I had better not get too familiar. I thought ants are usually formidable creatures. Writer कहते हैं अब इससे ज्यादा जो परिचय बढ़ाना अच्छा नहीं था। मैंने सोचा चाचियां सामान्यतः सभी डरावने जीव होती हैं, मतलब formidable मीन्स होते हैं डरावने जीव, ठीक है। तो राइटर क्या कहते हैं कि चाचियां जो होती है सामान्यतः डरावने चीज होती है, तो बिल्कुल भी डरावनी होती है। वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड। उसने पूछा, उस लड़की ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। इससे पूछा राइटर कि देहरा एंड देन टू मसूर। ओह हाउ लकी यू आर, आई वाज गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली अक्टूबर। तो राइटर ने क्या कहा, देहरा जा रहा हूँ और वहां से फिर मसूरी जाऊंगा। तो फिर उस लड़की ने क्या कहा, वो इतने भाग्यशाली है, काश मैं भी मसूरी जा रही होती, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है और स्पेशली अक्टूबर होता है ना, किसी किसी को पसंद होता है हिल स्टेशन जाना, बहुत लोगों को पसंद होता है ना। तो उस लड़की ने भी कहा कि मुझे हिल स्टेशन में जाना बहुत पसंद है, मसूरी जाना बहुत पसंद है, ठीक है। यस दिस इज द बेस्ट टाइम आई सर कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। द हिल्स आर कवर्ड विथ while dahlias, the sun is delicious and at night you can sit in front of a log fire and drink a little brandy. Most of the tourists have gone and the road are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time.
तो इस पर राइटर ने कहा, हाँ यह सबसे अच्छा समय होता है और मैंने अपनी मेमोरीज को फिर से जागृत करते हुए काम, मतलब वो उस पल को फिर से याद कर रहा था। और पहाड़ियाँ जंगली डहेलिया डहेलिया फूल होता है, ठीक है, तो वो जो पहाड़ होता है वो पूरी तरह से जंगली डहेलियों से ढके होते हैं और जो सूर्य होता है बहुत सुंदर और सुखद, और रात में आप लकड़ी के गोले के आपके सामने बैठ सकते हैं और थोड़ा सा ब्रांडी, ब्रांडी एक शराब होता है जिसे पी सकते हैं। हम के जो ठंडी वाली जगह पर लोग क्या करते हैं, उसे एक दवाई के रूप में लेते हैं जो शराब होती है उसको, तो वहां पर भी वो बोल रहे हैं कि इस ब्रांडी को आप थोड़ा सा पी सकते हैं। ज्यादातर पर्यटक जा चुके होते हैं और सड़कें शांत और लगभग विराम होती है। हाँ, अक्टूबर सबसे अच्छा समय है क्योंकि अक्टूबर ठंडी का समय होता है, तो ऐसे समय में घूमना बहुत अच्छा होता है। तो राइटर ने किससे कहा, तेरी वॉइस आ रही है? नहीं, कट कट के आ रही है। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसने कहा कि ठंडी का जो मौसम होता है वो घूमने के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शी वॉज साइलेंट, आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। जब जब राइटर जो है इस तरह बात कर रहा था तो वो जो लड़की थी वो चुप थी, और राइटर कहता है वह चुप थी। मैं आश्चर्य में था, क्या मेरे शब्द उसे छू गए थे या कहीं वह मुझे रोमांटिक मूर्ख तो नहीं समझ रही थी, और उसे लगा कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर गया, मतलब मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, ऐसा वो राइटर सोच रहा था। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। लड़के ने जो राइटर था उसने पूछा बाहर क्या है, क्योंकि लड़की जो थी वो बाहर की तरफ देख रही थी, तो उसने पूछा कि बाहर क्या है। शी सीम्ड to find nothing strange in the question, had she noticed already that I could not see, but her next question removed my doubts. उसे इस प्रश्न में कुछ भी अजीब सा नहीं लगा, क्या वह पहले से ही जान गई थी कि मैं देख नहीं सकता था, मतलब राइटर ये सोच रहा था कि लड़की को शायद पता चल गया है कि वो अंधा है करके, ठीक है, लेकिन लड़की को पता नहीं था। लेकिन उसके अगले प्रश्न ने मेरे शक को दूर कर दिया। क्या प्रश्न किया लड़की ने, आगे प्रश्न किया, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो शी आस्क्ड। लड़की ने पूछा आप खिड़की के बाहर क्यों नहीं देख लेते हैं, मतलब जब राइटर ने उससे पूछा। ओके, आगे देखते हैं। लड़की ने क्या कहा राइटर से कि आप खुद ही क्यों नहीं देख लेते खिड़की से बाहर, मुझसे पूछ रहे हैं उससे अच्छा है ना। तो आई मूव्ड इजली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट, मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप। आई हर्ड द पेंटिंग ऑफ द इंजन, द रंबल ऑफ द व्हील्स, एंड इन माई माइंड आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय। मैं बर्थ से, मतलब उसका जो सीट था, से आसानी से सरका और खिड़की के सेल्फ को महसूस किया।
ठीक है, कौन बोल रहा है? राइटर, क्योंकि राइटर जो था वो अंधा था, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैं बर्थ से थोड़ा सा सरका और खिड़की के जो सेल्फ थे उसको मैंने महसूस किया, खिड़की खुली थी और मैंने खेत खलिहान का अवलोकन करने का अभिनय करते हुए कहा, मतलब वो नाटक कर रहा था, मतलब उसको ये लग रहा था कि लड़की को पता नहीं है कि वो अंधा है करके, ठीक है, और वो नाटक कर रहा था, तो उसने क्या किया कि वो खिड़की की तरफ देखने लगा और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे सब दिखाई दे रहा है और वो खेत खेत खलिहान को देख रहा है, ठीक है, तो वो नाटक कर रहा था। मैंने इंजन के भापने की आवाज, पहियों के चीखने की लंबी आवाज सुनी और मैं अपने मन की आंख से चमकते हुए टेलीग्राफ पोस्ट को देख सकता था, मतलब वो सिर्फ फील कर सकता था, वो देख नहीं सकता था क्योंकि वो क्या था, अंधा था, ठीक है ना, इसलिए वो कुछ देख नहीं सकता था। यहाँ तक समझ आया सभी को? ठीक है, तो आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे का चैप्टर। ओके।